आपने मटर पनीर तो बहुत खाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिए। मटर को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, फिर मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर यानी कि एक पाव पनीर, जिस और उसके लिए लिया है मैंने 4 प्याज, 3 टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। इससे आपकी ग्रेवी बहुत ही थिक एंड रिच बनेगी। फिर मैंने तेल, ज़्यादा तेल लिया है थोड़ा, क्योंकि हमें करना है पनीर को फ्राई, बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई होते तक नहीं फ्राई करेंगे, सेलो फ्राई करेंगे। मैंने पूरा पनीर तेल में डाल दिया है। इस तरीके से जब सेलो फ्राई हो जाएगा तो इसे निकाल कर पानी में डाल देंगे, जिससे आपके पनीर ना कड़े नहीं होंगे और वो मुलायम और सॉफ्ट ही रहेंगे। फिर तेल को कम करके मैंने डाला है जीरा, एक बड़ी इलायची, दालचीनी और 2 तेज़पत्ता। फिर डाला है तेल में ही हल्दी और देगी लाल मिर्च। फिर मैंने प्याज को, चारों प्याज को मैंने मिक्सर में पीस लिया था, मैंने ना ही इसे फ्राई किया है ना ही भुना है, कच्चा ही मैंने पीस लिया है। फिर इस तरीके से तेल में अच्छे मिर्च से पका लेंगे तेल छोड़ते तक। फिर डाला है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, इसे भी अच्छे से डालकर चला लेंगे, और चलाने के बाद में इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इस तरीके से मसाले तेल छोड़ने लगे तब हम डालेंगे जो 4 टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई थी, उस प्यूरी को डाल दिया है, उसे भी अच्छे से मसालों के साथ एक सार कर लेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। जब मसाला तेल छोड़ दे तो इसमें डालेंगे सूखे मसाले, मेरे यहाँ हरा धनिया और गरम मसाला, मिक्स पाउडर मसाला है, और थोड़ा सा पनीर मसाला। फिर डाला है मैंने मटर और सेलो फ्राई जो मैंने पनीर किए थे उसका पानी निकाल कर पनीर, और इसे मसालों के साथ एक साथ मिला लेंगे। फिर ग्रेवी के लिए डाला है मैंने पानी। आपको इसकी कंसिस्टेंसी जैसी रखनी है, थिक रखनी है, थोड़ी सी पतली रखनी है, आपको जैसा पसंद है आप उस हिसाब से पानी को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर डाल दिया है नमक और इसे पकने, ढक कर पकने के लिए रख देंगे। फिर जब पक जाए तो डाल दिया है मैंने कसूरी मेथी, घर में जो दूध होता है ना उसके ऊपर मलाई होती है उसे ही मैंने चम्मच से फेंट लिया था, और इस तरीके से मैंने एक चम्मच मलाई ऊपर से डाल दिया। फिर देखिए आपकी परफेक्ट मटर पनीर बनकर तैयार है, और आज हमने घर में ही पार्टी कर लिया। तो ये रहा मेरा मटर पनीर, बिल्कुल थिक एंड रिच, ढाबा रेस्टोरेंट सबको फेल कर दिया है मैंने। फिर ये है रायता पूड़ी, मटर पुलाव और पापड़ के साथ मैंने इसे कल इंजॉय किया, आप भी इंजॉय कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।